अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 03024489001, लाहौर हिल स्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे DHA गुजरांवाला और DHA मुल्तान स्पेशली, इनका माइनर सा कंपैरिजन करेंगे। और कंपैरिजन का मतलब कतन ये नहीं है कि हम किसी प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे इन दो प्रोजेक्ट को लेके। उसके बाद फिर हम लोग क्लोजिंग रेट्स के ऊपर बात करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करते हैं DHA गुजरांवाला की। DHA गुजरांवाला की जो फाइल्स हैं, जो इंस्टॉलमेंट फाइल्स DHA ने रिसेंटली लॉन्च की थी, इनकी ट्रांसफर्स ओपन हो गई हैं। और ट्रांसफर सिर्फ वही लोग करवा सकते हैं जिन्होंने डाउन पेमेंट पे कर दी है। और ट्रांसफर का प्रोसीजर क्या होगा, सिमिलर जैसे 5 मरला में हुआ है। आपने जो डिपॉजिट स्लिप जमा करवाई है डाउन पेमेंट की, उसकी कॉपी साथ अटैच करेंगे NDC के साथ, और साथ में CNIC की कॉपी अटैच करके DHA में सबमिट करवा देंगे फॉर NDC क्लियरेंस। उधर से आपकी बैंक की स्टेटमेंट DHA के पास आ चुकी होगी, अपडेट हो चुकी होगी। तो 2-3 वर्किंग डेज के बाद आपका NDC क्लियर होगा और 4-5 डेज के अंदर आपकी ट्रांसफ़र पॉसिबल है। 10 मरला की जो ट्रांसफ़र फीस है वो बहुत माइनर सी है, 40,000 जो है वो ट्रांसफ़र फीसिस है 10 मरला की, 50,000 जो है वो 1 कनाल की है। इसके अलावा जो है वो 65,000 जो है वो 2 कनाल की है और 4 मरला कमर्शियल की है। इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस है उसमें 2,000 रुपीज़ ईच कैटेगरी के अंदर जो एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं, जिसमें 1,000 रुपीज़ का आपकी डॉक्यूमेंटेशन बनती है और 1,000 रुपये NDC के चार्जेस होते हैं, ये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। उसके अलावा जो डीलर्स की कमीशन है, क्योंकि ये अमाउंट जो है इसमें 1% तो नहीं तय होती है, तो वेरी करेगी डील टू डील। तो जब आपसे डील हो रही होगी तो उसमें वो फाइनलाइज होगा कि कौन सी जो है वो बेस्ट आपको डेट दिया जाता है और उसके साथ कमीशन चार्ज की जाती है या उसमें कमीशन इंक्लूडेड है। अब हम कनाल की बात करते हैं। 1 कनाल की फाइल जो है वो 44,60,000 रुपये पे अवेलेबल है एलोकेशन गुजरांवाला की, जबकि जो 10 मरला की फाइल है वो 31,60,000 रुपये पे अवेलेबल है। 5 मरला की फाइल 3,10,000 रुपये ऑन पे इस वक्त अवेलेबल है, 3 पेड उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी है। वो 2 साल का पेमेंट प्लान था और उसका 1 ईयर पेमेंट प्लान जस्ट रिमेनिंग है। बाकी जो इंस्टॉलमेंट फाइल्स थी वो 3 ईयर पेमेंट प्लान के साथ थी। और जो ऑन की बात करें DHA गुजरांवाला की, तो उसका जो 10 मरला का ऑन चल रहा है इस वक्त वो 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान वेरी कर रहा है, जबकि 1 कनाल का ऑन 40,000 रुपये पे है, 2 कनाल का ऑन 1,00,000 रुपये से 1,25,000 के दरमियान प्राइस वेरी कर रही है। डिपेंड करता है बायर और सेलर के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। 4 मरला कमर्शियल जो है वो 3.5 से 4.5 के दरमियान है। 8 मरला कमर्शियल 1,00,000 रुपया ऑन पे इस वक्त अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं DHA मुल्तान की। DHA मुल्तान, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि इनका भी इंस्टॉलमेंट प्लान लॉन्च हो चुका था 2 ईयर्स पहले ऑलमोस्ट, उसमें भी इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फाइल्स सेल आउट की थी उस पर भी ऑन वगैरह स्टिल अभी तक है और 7th इंस्टॉलमेंट्स उसकी ड्यू हो चुकी है। मुल्तान की 1 कनाल की सबसे पहले बात करें तो मार्केट के अंदर आज मुल्तान के अंदर बाइट ज़्यादा है, सेलिंग प्रेशर कम आ रहा है, क्योंकि जो पहले फाइल्स थी बल्क्स में वो सेल हो गई हैं, अब नई फाइल्स जो है इन्वेस्टर्स को मिल रही हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो मार्केट में थोड़ी सी आप इसको कह लें कि फॉर द टाइम बीइंग डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट थोड़ी सी टाइट पोजीशन पे है। इस वक्त 1 कनाल की एफिडेविट फाइल 45,30,000-45,000 रुपये क्लोज हो रही है, जबकि एलोकेशन फाइल 45,25,000 रुपये में इस वक्त अवेलेबल है फेज़ 1 के फर्स्ट बैलेट की। और 10 मरला की फाइल जो है वो 37,00,000 रुपये में है, जबकि 5 मरले का ऑन 2,50,000 रुपये से 2,60,000 रुपये के दरमियान है। 10 मरले का ऑन 3,00,000 से 3,10,000 रुपये के दरमियान है। 8 मरले का ऑन 1,10,000 रुपये है, जबकि 4 मरला कमर्शियल 9,50,000 रुपये में और 8 मरला कमर्शियल जस्ट 40,000 ऑन पे अवेलेबल है। अब हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो DHA मुल्तान की डेवलपमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास एरिया भी ज़्यादा है, प्रोजेक्ट भी ज़्यादा है। 9,000 एकड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली DHA मुल्तान का प्रोजेक्ट है और इसमें ऑलमोस्ट 4,000 to 6,000 acres के ऊपर जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जबकि DHA गुजरांवाला के अंदर डेवलपमेंट अनकरीब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ अप्रैल या मई में स्टार्ट होने जा रही है। फुल फ्लैज उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होने के लिए जा रही है। फर्दर जो है उसका मेन गेट के ऊपर काम ऑलरेडी स्टार्ट है, जैसे मुल्तान के आपने देखा कि मेन गेट्स और बुलेवार्ड्स के ऊपर काम हो चुका था 2-3 साल पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, अब तो बहुत बेहतर कंडीशन में है। और मुल्तान के अंदर जो है वो एक कमर्शियल जो इवेंट कॉम्प्लेक्स है वो ऑलरेडी वर्किंग में है, और सेकंड जो है स्कूल सलामत स्कूल की जो चेन है वो इंशाल्लाह सेकंड हाफ में उसका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल सेशन जो है। इसके अलावा गुजरांवाला की अगर मैं बात करूँ तो DHA गुजरांवाला का मेन गेट जो है वो GT रोड पे वो बन रहा है इस वक्त, और एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट 6 मंथ में आपको काफ़ी बेहतर लोकेशन के अंदर जो वो मिलेगा, कंप्लीशन के नियर मिलेगा। उसके बाद मेन बुलेवार्ड के ऊपर उसके काम स्टार्ट है इंडिविजुअली तौर पर, फिर आगे
कॉन्ट्रैक्ट जो है डीएचए गुजरांवाला का वो ऑलमोस्ट अभी फाइनल स्टेजेस पे है या हो चुका है, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट है वो एक्सपेक्टेड है अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंपैरिजन करें तो मुल्तान दी बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड हम लोकेशन की बात करते हैं तो नो डाउट गुजरांवाला की लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन जीटी रोड के ऊपर है, मेन एक्सेस है और तीन एक्सेस हैं डिफरेंट एरियाज़ के साथ, तो मेन जीटी रोड पर आपको पता है कि एक्सेस होना बहुत बहुत अच्छा साइन होता है और किसी सोसाइटी को सक्सेस होने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि उसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। मुल्तान की बात करें, मुल्तान बोसल रोड के है ऊपर है, मेथीतल रोड और बोसल रोड ये दो रोड्स के दरमियान में है। बी जेड यू जैसे आप क्रॉस करते हैं तो ऑलमोस्ट 1.2-1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये मिलता है, बुचविला से 700-800 मीटर्स पे ये है। और दूसरी साइड पे देखें तो वापर टाउन फेज 3 के पास मेथीतल गेट वाला जो एरिया है उस साइड के साथ है। ये रोड आपस में कनेक्टेड है, मेथीतल रोड और बोसल रोड को आपस में कनेक्ट कर रहा है डीएचए। वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन है उनका एक तो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे रोड्स और एरिया जो है वो बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे। वहाँ पे जो मुल्तान के अंदर है एबीसी ब्लॉक्स उसमें फुल फ्लेज डेवलपमेंट हो रही है। वाटर टैंक्स जो हैं वो दो वाटर टैंक्स नियर कंप्लीशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर मैं बात करूँ तो रोड्स जो है वो ब्लैक टॉप हो चुकी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, सीवरेज का काम जो है वो काफ़ी एरियाज़ में कम्प्लीट हो चुका हुआ है। रोड मेन बुलेवार्ड ब्लैक टॉप है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया दी अरीना जो है वो फंक्शनल है, असली के हाउसेज बन रहे हैं, विलास जो हैं वो नियर कंप्लीशन है, उसमें मॉडल हाउसेस रेडी हैं, बाकी विलास जो है वो नियर कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और होपफुली एंड ऑफ दिस ईयर उसमें कुछ विलास में आपको पोजेशन भी नज़र आएगा। वो एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे रहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में दी अरीना है, फिर स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप देखिएगा लोकल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ, बात लेंथी हो जाएगी। मुल्तान के अंदर जो है वो साउथ पंजाब है हमारा, साउथ पंजाब का इन फ्यूचर अगर हमारा सूबा सेपरेट होता है इंतज़ामी बुनियादों पे भी तो वहाँ पे सेक्रेटरीट शिफ्ट होगा और मुल्तान जो है वो फ्यूचर में कैपिटल होगा, इंतज़ामी अमूर जो है वो वहाँ पे डिसाइड किए जाएंगे तो डेफिनेटली उसका एक इम्पेक्ट पड़ता है। मुल्तान की पॉपुलेशन को अगर हम देखें वहाँ पे जो प्रॉपर्टी का ट्रेंड है, रियल स्टेट का ट्रेंड है, लोगों के नॉलेज में है चीज़, वहाँ पे जो हमारे डीलर भाई हैं वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी जो सोसाइटीज़ वहाँ पे मॉडल टाउन, उसके अलावा बुच विलास है, रॉयल ऑर्चर्ड है और वापटा टाउन है, उसके फेजेस हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे थे जब डीएचए इंट्रोड्यूस हुआ। डेफिनेटली एक ब्रांड है, एक बिग नेम है वहाँ पे। नियरेस्ट जो सोसाइटीज़ हैं स्पेशली स्पेसिफाइड नहीं करते कि किन सोसाइटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे जो रेट चल रहा है वो 6 लाख से 7 लाख रुपये मरले का रेट चल रहा है डेवलप और पॉपुलेटेड सोसाइटीज़ में। डेफिनेटली डीएचए का नाम है तो उस रेशियो को हम लोग करते हैं कि 3-5 ईयर्स के बाद जब एरिया पॉपुलेट हो जाएगा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी हो जाएगी मुल्तान के एरियाज में, डीएचए मुल्तान में, तो वहाँ पे भी रेट आपको 6-7 लाख पर मरला या 10-12 लाख पर मरला के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम रेट जो है वो वेरी करेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। सिमिलर टाइम पे अगर मैं गुजरांवाला की बात करूँ तो गुजरांवाला को थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। मुल्तान इंशाल्लाह करंट ईयर बैलेट करने जा रहा है, जबकि गुजरांवाला एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो बैलेटिंग की तरफ मूव करेगा और डेवलपमेंट का काफ़ी हद तक काम जो है वो वहाँ पे हो चुका होगा। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान बेहतर है। एक्सेस की बात करूँ नो डाउट मेन जीटी रोड दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन मैं अगर दूसरे एंगल से देखूँ तो बोसल रोड और मेथीतल रोड दो मेन रोड्स हैं मुल्तान की जिसको आपस में इंटरलिंक कर रहा है डीएचए, और बाईपास से भी अगर आप आएँ तो सबसे नियरेस्ट है। फिर वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं नियरली बी जेड यू है, मेट्रो ट्रैक है, आप शहर के साथ आप कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सेपरेट नहीं है, बिल्कुल शहर के साथ कनेक्टेड है। गुजरांवाला भी रावलपिंडी के बिल्कुल साथ एडजेसेंट है, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है बहुत बेहतर है। लेकिन मुल्तान डेवलपमेंट पॉइंट से बेहतर है, बैलेटिंग जल्दी कर रहा है, पोजेशन जल्दी दे देगा, जबकि गुजरांवाला में आपको थोड़ी सी डिले हो मिलेगा 2-3 साल। लेकिन जो गुजरांवाला का मैप इस वक्त हमने देखा है, क्योंकि मुल्तान का तो अभी पब्लिश नहीं हुआ ना हमारे नॉलेज में है, लेकिन गुजरांवाला का जो मैप है वो दी बेस्ट मैप है। उसकी जो मैपिंग हुई है, जो नेस्ट पार्क से उन्होंने की गई है, वो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और एक्सपेक्टेड है कि ये गेटेड ब्लॉक्स होंगे, वन एंट्रेंस और वन एग्जिट होगा, जिससे आप अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, सेम लाइक अस्करी के जो हाउसेज वगैरह होते हैं, अस्करी 9, 10, 11 जो है लाहौर में उस तरह के। तो वो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है गुजरांवाला ने। गुजरांवाला के सराउंडिंग के जितने एरियाज़ हैं उनको बहुत सूट करता है, दी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। स्पेशली ये जो इंस्टॉलमेंट्स में फाइल्स आई हैं, जो दोस्त जो हैं वो कैश पेमेंट पे अफोर्ड नहीं कर सकते और 3 साल का उनका प्लान है इसको होल्ड करने का या घर बनाने का, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको इंस्टॉलमेंट्स में परचेज करें। और मुल्तान के अंदर जो है वो 7 इंस्टॉलमेंट्स पेड हो चुकी हुई हैं, कैश की फाइल एक कनाल की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर है। अगर हम ये सोचें कि मजीद नीचे जाएगा तो वो हमारी एक सोच ही हो सकती है, चांसेस बहुत कम है,
कि रेट नीचे जाए, रेट जो है इस वक्त मिनिमम प्राइस पे है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसके अंदर जो है वो प्राइसेस शूट अप होंगी। तो मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि जो अभी सोच रहे हैं इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है, किस में जाया जाए, DHA मुल्तान बेस्ट चॉइस है फॉर 1 and 2 years एंड लॉन्ग टर्म, और DHA गुजरांवाला जो है वो 2-3 years और अप टू 3 years के लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है। हम जो है वो लाहौर रियल स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह DHA लाहौर मुल्तान गुजरांवाला और बहावलपुर के हम लोग ऑथराइज रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा हम लोग ग्वादर और अदर सोसाइटीज़ में बहरिया टाउन के हम लोग ऑथराइज हैं। तो डेफिनेटली हम आपको वो चीज़ बताएंगे जिसमें कस्टमर का फ़ायदा है, ना कि जिसमें हमारा इंटरेस्ट शामिल हो, क्योंकि हमारा तो बहुत माइनर सा इंटरेस्ट होता है, कैपिटल तो हम आपका यूटिलाइज़ करें। तो हमारी कोशिश होती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कस्टमर्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ बताएं जिसमें उसको इन फ्यूचर जो है वो बेनिफिट हो। मैं अपने दोस्तों को एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि DHA मुल्तान का अपना इटसेल्फ ऑफिस जो है वो DHA Phase 6 मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज मैं फिज़िकली वहाँ पर भी कुछ विज़िट करके आया हूँ, मैं आपको जो है उसकी पिक्चर्स भी इस वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह शेयर करते हैं, और वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, फास्ट ट्रैक के ऊपर हो रहा है और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 3 to 6 months के अंदर जो वो कंप्लीशन होगी। तो DHA का ऑफिस मेन उधर मूव कर जाएगा। 8 मरले का कमर्शियल है जो DHA जो है वहाँ पे उसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्पेशली DHA मुल्तान का ऑफिस। जैसा कि आपको नॉलेज में है कि DHA मुल्तान की लाहौर में एक बिग मार्केट है जो DHA मुल्तान के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रही है और बहुत अच्छा रिटर्न भी ले रही है। इस वजह से DHA ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग अपने एक फुल फ्लेज ऑफिस बनाएं। इसलिए उसके लिए Phase 8 MP के ऊपर 8 मरला जो कमर्शियल है वो ज़ेरे तमीर है इस वक्त, और इंशाल्लाह जल्द 3 to 6 months में इसकी कंप्लीशन मिलेगी। क्लोजिंग डेट्स के ऊपर बात करके बात को वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। इस वक्त जो DHA बावलपुर है वो 27 लाख रुपये में है एफिडेविट, जबकि DHA लाहौर Phase 10 45 लाख रुपये में है 1 canal की फाइल। उसके अलावा आपको LDCT में 16 लाख रुपए में 5 मरला, 10 मरला 24 में 1 canal 37.5 लाख रुपए में मिल जाएगा। हर लोगों की फाइल और साधों की फाइल स्टील अपनी प्राइसेस पे स्टैंड कर रही है 2800-2930 लाख रुपए के ऊपर। मजीद जो रेट्स हैं अपडेट्स के लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 0302-4489-001। इसके अलावा आप मुझे फिज़िकली विजिट कर सकते हैं, मेरा ऑफिस एड्रेस है 46 MB कमर्शियल Phase 6 DHA लाहौर। इसके अलावा आप मुझे यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं जो डेली बेसिस पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं आपके लिए ताकि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए +92 322 492 3992। थैंक यू।